इस राज्य के अंदर विधि व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं है, लेकिन आदिवासियों और दलितों का विशेष करके इस सरकार के अंदर जिस तरह से दमन हो रहा है वो उदाहरण पहले इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला है। आज हम लोग महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ मिले थे और हम लोगों ने कहा कि भी किस तरह से आदरणीय विधायक समरी लाल जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, सदन के अंदर नेता सदन उनको जो है फर्जी कह रहा है, जबकि सरकार के द्वारा व्यवस्था के द्वारा उनको सर्टिफिकेट दिया गया जिसके माध्यम से वो चुनाव लड़े और जीत करके अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस ऊपर में जिस तरह से सरकार ने एक तरफा कार्रवाई की है उस कार्रवाई के ऊपर आदरणीय समरी लाल जी का जो विषय है, जो उनका पक्ष है, उसको ठीक से नहीं सुना गया है। हमने महामहिम जी से यह मांग किया है कि इनके पक्ष को भी सुना जाए और उनको समझा जाए। दूसरी घटना हम लोगों ने बताया मुरु मातू जो पांडु पलामू में है और आज एक महीने से ज़्यादा का समय बीत गया है, मुजहर परिवार को जिस तरह से वहाँ से दबंगों ने जो एक विशेष वर्ग के लोग हैं उनके मुखिया और सभी लोगों ने उनको घर से उजाड़ दिया गया, जेसीबी चला दिया गया, उनको गाड़ियों में बैठा करके जंगल में फेंक दिया गया। फिर जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने जब आवाज़ उठाई, अनुसूचित जाति आयोग जब उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जब इस मामले को लेकर के आए, एक महीने का अल्टीमेटम दिया गया कि भी उसी जगह पर इसको पुनर्वासित किया जाए, लेकिन स्थानीय प्रशासन राज्य सरकार के इस तुष्टिकरण के राजनीति के कारण उनको वहाँ पुनर्वासित नहीं किया गया है। आज भी एक टूटे हुए खंडन के रूप में घर पे आज वो मुरुमातू के गरीब मुसहर परिवार, महादलित परिवार आज भी जीवन जीने के लिए बेबस हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के रूप में हम लोगों ने महामहिम से कहा है कि उसको वहाँ पुनर्वासित किया जाए, नहीं तो अनुजाति मोर्चा के बहने तरह हम लोग जीने मरने की लड़ाई तक लड़ने के लिए तैयार हैं और उसी जगह पे पुनर्वासित किया जाए। तुष्टिकरण का कहीं से भी हम लोग कहीं से भी उसको जो है हम लोग मदद नहीं करने वाले या उसको जो है हम लोग सहने वाले नहीं है। एक और घटना जो घटी है वो कल आपने देखा हो, दो दिन पहले जमशेदपुर में एक दलित बच्ची को आत्महत्या के लिए उसने अपने ऊपर केरोसिन डाल दिया। क्यों? क्योंकि स्कूल की टीचर ने सरेआम उसको जो है बेइज्जत करने का काम किया। हजारीबाग के केरेडरी में जिस तरह से हत्या करके टांग दिया गया, मोनिका कुमारी को जिस तरह से गर्भवती महिला की हत्याएं की गई, ये सारे विषयों को लेकर के और साथ साथ स्वच्छकर समाज जो वाल्मीकि समाज है उसके विशेष एक डेलीगेशन उनके अध्यक्ष और बाकी लोग आए थे, उन्होंने भी अपने मुद्दों को रखा है और मैं महामहिम से ये आग्रह किया हूँ कि ये तो तत्कालीन मैंने अद्यतन जो समसामयिक घटना है, लेकिन दलितों की घटनाओं का लंबा फहरिस्त है इस सरकार में, चाहे महादलित तूरी परिवार जामताड़ा का हो, चिरूडी का मामला हो, चाहे संजू प्रधान की हत्या सिमडेगा का मामला हो, ये पूरी तरह से एक सिलसिला है। अभी भी हमारा जो पारसनाथ के अंदर एक दलित अंधी महिला का घर को तोड़ा गया प्रधानमंत्री आवास को, और सरकार ने कहा, उसके मंत्री और उनके विधायक ने जाकर के कहा कि भी उनको पुनर्वासित करेंगे, लेकिन आज तक उस जगह पे जिस जगह पे उसका प्रधानमंत्री आवास बन रहा था आज तक उसको घर नहीं बना है। ये दिखलाता है कि ये पूरी सरकार असंवेदनशील है और दलितों के ऊपर अत्याचार करने से किसी प्रकार से पीछे नहीं हटती है, और जिसके कारण आज पूरा समाज में एक भय भी है और एक आक्रोश भी है, और इस भय और आक्रोश को दूर करने के लिए अनुसूचित जाति मोर्चा अपने कदम बढ़ाएगी और इसको पूरे झारखंड स्तर पर इसको आंदोलन के रूप में खड़ा करेगी। 15 दिन का था कि आपको जवाब दाखिल करना था, वो जवाब आपने देखिए, हम अभी बता रहे हैं आपको कि सरकार द्वारा, चूंकि ये मामला अभी सब जुडिशियल न्यायालय में चल रहा है, हम उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हम उस दृष्टांत को बताना चाह रहे हैं जो विधानसभा के अंदर आपने देखा कि एक भंगी वाल्मीकि समाज से मैं आता हूँ, मेहतर का लड़का हूँ, मेरे माता पिताजी रिम्स में सफाई कर्मी रहे हैं, मैं उनका पुत्र हूँ और मुझे संवैधानिक तौर पर यहाँ का जाति प्रमाण पत्र मिला था, और एक मुख्यमंत्री झारखंड का ऐसे परिवार से आता है जिनका नाम है इस क्षेत्र में झारखंड में, वैसा व्यक्ति हमें अंगली उठा उठा के कह रहा कि फर्जी है, तो हम पूछना चाहते हैं उनसे कि क्या आप जज हैं क्या, कि जांच अधिकारी क्या हैं आप, कि हमको अंगली दिखा दिखा कर बोला कि फर्जी विधायक, जबकि वो खुद फर्जी मुख्यमंत्री हैं, खुद जो है माइंस केस में फंसे हुए हैं, और हमारे जैसे 40 साल का जो मेरा राजनीतिक जीवन है आपने देखा होगा, छात्र जीवन से जब मैं जनरल सेक्रेटरी था रांची कॉलेज में, चुनाव जीता था 81 में, उस समय से लेकर आज तक मेरे आप लोगों के सामने मेरा चरित्र है ये है, और उसको कहते हैं फर्जी। तो इसी को लेकर हमने महामहिम से कहा कि एक दलित का बेटा को झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के जो लोग हैं, जो राजेश ठाकुर भी राजभवन आकर बोल रहे थे, जो कि एकदम बिल्कुल
सामंतवादी विचारधारा के हैं। मैं उनको कॉलेज के समय से जानता हूँ, कैसे दलित और पिछड़ों के साथ भेदभाव करते थे कॉलेज के समय में। कोई उसके आगे बैठ जाता था तो कहता था दलित का बेटा आगे कैसे बैठ गया, ये राजेश ठाकुर। और आज ये है कि चमचागिरी करके प्रदेश का अध्यक्ष बना हुआ है और एक दलित का बेटा को राजभवन आकर ज्ञापन देता है। हम ये सब बातों को आज आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि ये दृष्टांत हमारे साथ हुआ है। आपने विधानसभा के कार्रवाई देख लीजिए, जो सत्र बुलाया गया था स्पेशल, अंगली दिखा दिखा कर एक मुख्यमंत्री एक दलित का बेटा को फर्जी बोलता है। जवाब मांगा गया था, हमने जवाब दिया है, जवाब दिया है और न्यायालय में भी मैं अपनी बात को रखा हूँ, इसलिए उस सब्जेक्ट पर अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता।